अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन चाहते हैं, सभी सवालों का जवाब चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो निश्चित तौर पर इस एक्सरसाइज का मास्टर बन जाएंगे, इस प्रकार से हम समझाएंगे आपको। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जो है कह रहा है कि रिक्त स्थानों में से प्रतीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसेट या डज नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो यहाँ पर जो है कि ये दो चिन्ह आपको दिया गया है, ये दो चिन्ह आपको दिया गया है और आपको जो नीचे सवाल दिया गया है उसमें भरना है। कह रहा है कि सही कथन बनाइए कि इसमें कौन सा चिन्ह भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का जो सवाल है, पहला जो सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज को बनाने से पहले दो चिन्ह को समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये है चिन्ह है और एक चिन्ह है ये डज नॉट सबसेट। हालांकि इसको हम प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट, लेकिन सबसेट ही है। तो देखिए इस चिन्ह का प्रयोग कब होगा, जैसे ए का प्रत्येक अवयव, जैसे ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, इसमें एक दो अवयव है, और बी कोई सेट है, इसमें एक दो तीन अवयव है। तो यहाँ पर देखिए ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है। ए का प्रत्येक अवयव एक है तो एक है, दो है तो दो है। तो इस प्रकार से अगर रहेगा तो हम क्या कहेंगे, ए ये सबसेट क्या हो गया, बी, यानी ए जो है बी में समा रहा है, इसलिए ए का प्रत्येक अवयव क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए डज नॉट सबसेट का प्रयोग कब होगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल सेट ए लिए, इसमें एक दो तीन एलिमेंट है और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट हम ले लेते हैं दो तीन और चार ले लिए। अब देखिए एक एक नहीं मिला, दो है तीन है, लेकिन एक इसमें मिला नहीं मिला, तो उस समय हम क्या करेंगे, ए डज नॉट सबसेट बी देंगे, यानी इस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आपने जान लिया है कि इस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे और इस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे। तो हम इसी प्रकार से इन दोनों चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जब सब एलिमेंट उसमें हो जाता है तब ये सबसेट का प्रयोग करते हैं, नहीं होता है तो सबसेट नहीं है, उपसमुच नहीं है। चलिए अब हम एक्सरसाइज का हम सवाल देखते हैं। तो एक का एक इस सेट में है कि दो तीन और चार, ऐसे डॉट डॉट है, फिर है एक दो तीन चार और ये पांच, कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो तीन चार है, तो दो तीन चार इसमें भी मिल गया, यानी इस सेट का ये जो पहला सेट है इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या है, ये सेट जो है इसका सबसेट है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम भरेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। और जो है दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल ये ए बी सी है और यहाँ पर डॉट डॉट मार दिए, मारने के पश्चात इसमें देखिए बी सी डी है। अब देखिए इसमें कौन सा चिन्ह भराएगा, जैसे ए है तो इसमें ए खोजिए, नहीं मिला, बी मिल चुका है, सी भी मिल गया, लेकिन ए जो है इस सेट में नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए है और यहाँ पर ए नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो पहला सेट है इसका सबसेट नहीं होगा, तो इसमें ऐसे इस चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट नहीं है। अब तीसरा सवाल एक का तीन नंबर का, यहाँ पर है कि एक्स सच डेट एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस सवाल को पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th की एक विद्यार्थी है। तो इसमें कह रहा है कि कक्षा 11th की एक विद्यार्थी है और डॉट डॉट करके एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो देखिए तो विद्यालय में 11th 12th सभी विद्यार्थी होते हैं, तो इसमें 11th का विद्यार्थी है और ये विद्यालय है, तो समझिए कि 11th का विद्यार्थी और विद्यालय के विद्यार्थी में समाएगा कि नहीं समाएगा। तो इसलिए ये जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट सेट कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी विद्यालय में समाएंगे, यानी ये फर्स्ट सेट सेकंड सेट में समा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर होगा सबसेट होगा, न कि डज नॉट सबसेट। अब देखिए चार नंबर का सवाल,
चार नंबर का सवाल, इसके चार नंबर में क्या कह रहा है कि x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, x सच डेट x किसी समतल में एक वृत्त है, एक वृत्त है और डॉट डॉट है, कह रहा है कि x सच डेट x एक समान समतल में वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है और जिसकी त्रिज्या एक इकाई है, जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। तो अब देखिए होगा ये सेट की नहीं होगा, जैसे मान के चले कि यहाँ पर समतल में स्थित एक वृत्त है तो उसकी त्रिज्या जो है एक इकाई भी हो सकती है, दो इकाई भी हो सकती है, तीन इकाई भी हो सकती है, ऐसे डॉट डॉट मार दीजिए क्योंकि ये तो निश्चित नहीं है कि त्रिज्या दस तक ही लेंगे, और यहाँ पर भी डॉट डॉट मारिए। उसमें क्या है कि एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। तो अब देखिए एक तो मिल गया, दो इसमें होगा, तीन इसमें होगा, यानी फर्स्ट सेट जो है सेकेंड सेट में नहीं समाएगा, यानी फर्स्ट सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेकेंड सेट में नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डज नोट सबसेट भरा जाएगा। उसके बाद पांचवा सवाल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है कि x सच डेट x, x सच डेट x किसी समतल में, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, डॉट डॉट है, x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखिए यहाँ पर इसमें फर्स्ट सेट में क्या है, त्रिभुज, फर्स्ट सेट में त्रिभुज है। तो चलिए पांचवें नंबर को हम सोल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट सेट हो गया, इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज है, मान के चलिए एक दो तीन ऐसे करके जो भी त्रिभुज हो, नहीं तो और शॉर्ट एक त्रिभुज इसमें ले लिए, ऐसे डॉट डॉट मारती है। इसमें देखिए आयत है, तो देखिए त्रिभुज है इसमें, इसमें आयत है, तो देखिए त्रिभुज इसमें कभी भी मिलेगा नहीं मिलेगा। यदि इसमें त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज रहता, इसमें भी त्रिभुज, तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकेंड सेट में होता, तो यहाँ पर हम सबसेट का हम प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर जो है कि इसमें त्रिभुज है, इसमें आयत है, तो इसका इससे संबंध होगा ही नहीं, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें होगा ही नहीं, तो यहाँ पर डज नॉट मारेंगे, ये डज नॉट सबसेट हुआ। अब देखिए छठा नंबर का जो सवाल है, जैसे आप लोग कॉपी खोल करके वीडियो को रोक करके लिखते जाइए। अब देखिए छठा नंबर का जो सवाल है, छठा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि x सच डेट x, x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, डॉट डॉट है, फिर कह रहा है कि x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो फर्स्ट सेट में एक वो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, सेकेंड सेट जो है इसमें समतल में स्थित त्रिभुज दिया है, तो इसमें तो नहीं कह रहा है कि समबाहु है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है, तो इसका अर्थ हो गया कि इसमें तीनों त्रिभुज है, यहाँ पर सिर्फ त्रिभुज लिया है, तो इसमें सिर्फ, इसमें जो है तीनों त्रिभुज होगा, इसमें सिर्फ एक ही त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए इनको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सम बाहु त्रिभुज, डॉट डॉट मारेंगे। अब देखिए सेकेंड सेट में त्रिभुज सिर्फ कहा है, तो त्रिभुज का है, तो त्रिभुज तो जानते ही हैं भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, तो तीनों का हम नाम लिख लेंगे सम बाहु त्रिभुज, सम द्वि बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ऐसे हम लिख लिए। अब देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए इसमें भी समबाहु त्रिभुज मिला कि नहीं मिला,
यानी फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है सेकेंड सेट में है, तो यहाँ पर सबसेट भरा जाएगा। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर डज नॉट सबसेट लगाते हैं। अब देखिए अगला सवाल, सातवां नंबर का जो सवाल है, x डेट x एक संप्राकृत संख्या है। यहाँ पर कह रहा है कि एक संप्राकृत संख्या है और कह रहा है कि x डेट x एक पूर्णांक है। तो देखिए इसमें संप्राकृत संख्या है, इसमें पूर्णांक संख्या है, तो इनको चलिए हम सॉल्व करते हैं क्या होगा। सवाल को आपने देख लिया है तो देखिए सातवें नंबर का सवाल क्या होगा। तो पहले क्या है कि एक संप्राकृत संख्या है, तो यानी संप्राकृत संख्या दो हुआ, चार हुआ, छ हुआ, आठ हुआ, ऐसे चलते जाएगा, कोई लिमिटेशन तो दिया नहीं है, ऐसे डॉट डॉट मार देंगे। सेकेंड सेट में है एक पूर्णांक है, तो देखिए सेकेंड सेट में जब एक पूर्णांक है तो इसे डॉट डॉट मारेंगे, ये कोमा हो गया। अब देखिए माइनस दो, माइनस एक, यानी माइनस अनंत से आएगा, जीरो हो गया, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा, यही ना पूर्णांक संख्या है। तो देखिए इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें समाएगा कि नहीं समाएगा, देखिए दो है तो दो मिलेगा ही, चार है तो चार मिलेगा ही, छः है तो इसे डॉट डॉट में छः लिखा ही जाएगा, आठ है तो इसमें आठ आएगा ही, तो यानी सेट फर्स्ट जो है, सेट फर्स्ट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें पूर्णांक संख्या में होगा, इसलिए यहाँ पर सबसेट भरा जाएगा, यहाँ पर सबसेट भरा जाएगा। तो इस प्रकार से एक नंबर क्वेश्चन के जितने भी सवाल थे उसका आंसर तो आपने जान लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो जो है, क्वेश्चन नंबर दो, इनको हम पहले अच्छी तरीका से पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात जो है इनको हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दो को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दो जो है कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको जांच करना है कि सत्य हैं कि असत्य हैं। तो दो के एक नंबर का सवाल इसमें है कि ए बी अ डज नॉट सबसेट बी सी ए, तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा। यहाँ पर ए देखिए, ए मिल गया, बी है, बी भी मिल गया, यानी ये इसका जो है प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में है, तो यहाँ पर सबसेट होना चाहिए न कि डज नॉट होना चाहिए, यहाँ पर दे दिया है डज नॉट, तो इसलिए ये जो है कथन असत्य है, दो का एक क्या है असत्य है, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर दो का एक जो होगा ये आपको फॉल्स होगा। अब दो नंबर का जो सवाल है ये इस प्रकार से कह रहा है कि ए ई और यहाँ पर सबसेट कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है एक्स डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब यहां पर देखिए ए ई लेंगे ही, ऐसे सबसेट रहने दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है तो इसलिए क्या होगा ए ई आई ओ यू। अब देखिए ए है ए मिला, ई है ई मिला, तो फर्स्ट सेट का जो है प्रत्येक एलिमेंट सेकेंड सेट में है कि नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का क्या होगा सबसेट होगा सबसेट, तो इसलिए ये कथन आपको क्या है ट्रू है, ये कथन आपको ट्रू है। अब देखिए
इसका जो है तीसरे नंबर का सवाल, तीसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक दो तीन सबसेट एक तीन पांच, ये सत्य है कि असत्य है। तो देखिए एक मिल गया, उसके बाद तीन इसमें मिल गया, लेकिन दो इसमें है नहीं है, तो दो नहीं है तो यहाँ पर डज नॉट सबसेट होना चाहिए। पुनः समझिए, जैसे एक है तो एक मिल गया, तीन है तो तीन मिल गया, दो है तो इसमें दो भी रहता तब ये सबसेट रहता, तब ये चिन्ह ठीक था। क्योंकि दो इसमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिला तो नहीं मिला तो इस कट्टो ये डज नॉट सबसेट होता, तो यहाँ पर नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ये कथन क्या है, फॉल्स है, ये कथन आपको फॉल्स हो गया। तो ये तीन जो होगा ये आपको होगा फॉल्स। अब चौथा नंबर का सवाल देखिए, चार नंबर का सवाल यहाँ पर है कि ए है, सबसेट है यहाँ पर, देखिए ए इसमें है तो यहाँ पर भी ए है, ए है तो ए, यानी फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकेंड सेट में मिल गया, इसलिए फर्स्ट सेट जो है सेकेंड सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी फर्स्ट सेट सेकेंड सेट का सबसेट होगा। तो ये सही है, ये कथन आपको ट्रू है। यहाँ पर कट का निशान रहता तब ये ट्रू नहीं होता, फॉल्स हो जाता। तो ये चौथा सवाल जो है ये आपको क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखिए पांचवा सवाल इनका क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पांचवें सवाल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेट ए, यहाँ पर देख सकते हैं सेट फर्स्ट सेट, यानी यहाँ पर ए बिलोंग्स टू क्या है, ए बी सी। तो देखिए इनका अर्थ समझिए, जैसे ई है ना बिलोंग्स टू, ये इनको हम बिलोंग्स टू कहते हैं, एप्सिलॉन का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये जो मिडल ब्रैकेट है यह नहीं होना चाहिए था, ये मिडल ब्रैकेट नहीं होता, जैसे सबसेट में मिडल ब्रैकेट होना चाहिए, ये सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए चिन्ह का क्या अंतर है, यहाँ पर सबसेट है यहाँ पर बिलोंग्स टू है, तो कह रहा है ये जो सेट ए है क्या इसका अवयव है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये मिडल ब्रैकेट के अंदर में है तो यहाँ पर भी इसमें मिडल ब्रैकेट रहना चाहिए था ए में, लेकिन नहीं है, तो इसलिए ये जो है कि सबसेट नहीं होगा, ये जो है कि एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पर सबसेट हो जाता लेकिन एलिमेंट नहीं होगा, तो ये आपको फॉल्स हो गया। यानी ये चिन्ह जैसे ही लगा रहे तो ये कोस्ट नहीं होना चाहिए, अगर कोस्ट है तो इसमें भी कोस्ट होना चाहिए तब ये ट्रू होगा। अब देखिए ये आपको क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम छठा नंबर का हम सवाल देखते हैं, छठे नंबर का सवाल क्या है, कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स संख्या छह से कम, एक्स सच डेट एक्स संख्या छह से कम एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। अब यहां पर सबसेट है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो देखिए 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है और इसमें जो है कि एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं इन संख्या को, फिर हम देखेंगे कि ये जो है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, इस प्रकार से हम डिसाइड कर लेंगे। दो चार, अब देखिए 6 से कम सम प्राकृत संख्या कह रहा है तो हम 6 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 6 से कम है। अब यहाँ पर सबसेट है और सेकेंड सेट में क्या है, कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो देखिए 36 को कौन सब संख्या विभाजित करेगी, प्राकृत संख्या एक करेगा ही, दो भी करेगा, तीन भी करेगा, चार भी करेगा, उसके बाद पांच तो नहीं करेगा, छह तो करेगा ही विभाजित, छो के बाद सात भी नहीं करेगा, उसके बाद नौ करेगा विभाजित, उसके बाद आठ जो है विभाजित तो नहीं करेगा, दस भी नहीं करेगा,
ग्यारह भी नहीं करेगा, 12 विभाजित करेगा, उसके पश्चात 13, 14, 15, 16 भी नहीं करेगा, 17, 18 करेगा 36 को विभाजित, उसके बाद 36 ही 36 को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर देखिए, दो तो दो मिल गया, चार तो चार मिल गया, तो ये जो सबसेट लिखा हुआ है ये ट्रू है, यानी सही है, सत्य है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से दो में जितने भी सवाल थे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये सभी सवाल हो गया। अब देखिए, तीन नंबर में जितने भी सवाल है उनको भी हम हल करते हैं और इसी प्रकार से काफ़ी इजी तरीके से समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर एक दो और यहाँ पर सेट 3-4 दिया हुआ है और 5 है, ये हो गया आपको समुच्चयों का समुच्चय, यानी 3-4। a का तो अवयव है लेकिन 3-4 एक सेट भी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है और क्यों, ये भी कह रहा है। तो यहाँ पर हम पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद सभी सवाल को हम हल करते जाते हैं। तो देखिए, इसमें आप सेट को पहले लिख लीजिए, सेट ए 1-2, ये यहाँ पर 3-4, उसके बाद इसमें 5। पहला इस पर आधारित जो सवाल है ये 3-4 सबसेट ए है, 3-4 सबसेट ए है। यहाँ पर देखिए, ये 3-4 कोस्ट के अंदर में है, 3-4 कोस्ट के अंदर में है, मिडल ब्रैकेट के अंदर में है। तो सेट ए का जो है ये एलिमेंट हुआ, ये सेट ए का एलिमेंट। अगर हम लिखे कि 3-4 बिलोंग्स टू ए तो ये आपको सही होगा, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। देखिए ए में है ना, जैसे एक को हम एक हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे, दो को हम एक अवयव कहेंगे और इस पूरे सेट को हम एक हम अवयव कहेंगे, पांच को भी हम अवयव कहेंगे। तो यहाँ पर जो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू रहता तो ये ट्रू होता, यानी सत्य होता, क्योंकि यहाँ पर सबसेट का यह चिन्ह दे दिया है। तो देखिए, इसमें एक बार एक कोस्ट तो इसका है ही, लेकिन सबसेट को दर्शाने के लिए एक कोस्ट और हम लगाते हैं, तो इसमें डबल कोस्ट होगा मिडल ब्रैकेट, यानी 3-4। और इस प्रकार से अगर लिखा जाएगा तब ये ट्रू होगा, क्योंकि ये जो है एलिमेंट हो गया, ना कि ए का सबसेट होगा। तो इसलिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको फॉल्स है। फिर सेकेंड नंबर का जो इसी में तीन का दो सवाल है, ये इस प्रकार से है, 3-4 बिलोंग्स टू ए। देखिए 3-4 बिलोंग्स टू ए, तो 3-4 जो है सेट ए का क्या है, अवयव है, और ये यहाँ पर जो लिखा गया है ये आपको ट्रू है। अब तीसरा नंबर का जो सवाल है, आप लोग अपने कॉपी पर जो है कि उतारते चलिए। तीसरा नंबर का सवाल इस प्रकार से है, देखिए ऊपर में हम समझा ही चुके हैं कि इस प्रकार से होगा तब ट्रू होगा, देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा है। तो यानी अब ये क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया, 3-4 ए का सबसेट हो गया, ये आपको ट्रू हो गया। अब देखिए चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर का सवाल क्या है, कड़ाई के 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर आप देखिए, एक जो है एक सेट ए का क्या है, अवयव है, इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए जो लिखा हुआ है ये आपको ट्रू है, ये ट्रू है। अब देखिए पांचवें नंबर का सवाल, पांचवें नंबर का सवाल क्या है कि 1 सबसेट ए, 1 सबसेट ए ये दिया हुआ है, तो ये देखिए ये आपको फॉल्स होगा, ये आपको फॉल्स होगा।
फॉल्स इसलिए होगा अगर वन को आप वन एलिमेंट है, वन क्या है अवयव है, इनको सबसेट अगर हमको दर्शाना हो मतलब ई किस स्थिति में ट्रू हो सकता है, अगर इस प्रकार से लिखा रहता तो ये ट्रू होता, इस प्रकार से ये लिखा रहता तो ये ट्रू होता, क्योंकि यहाँ पर है कि वन को कोस्ट में नहीं रखा है तो इसलिए यह सबसेट नहीं हो सकता, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा तो इसलिए ये आपको क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब इनका जो छठा नंबर का सवाल है, छठा नंबर का सवाल क्या है, यहाँ पर है कि एक दो पांच सबसेट है ए, यानी कह रहा है कि एक दो पांच जो है ए का क्या है उपसमुच्चय है, तो आप सेट को देख सकते हैं, यहाँ पर सेट जो दिया है एक दो पांच, तो एक दो पांच इसका प्रत्येक अवयव, ये जो सवाल है इसका प्रत्येक अवयव सेट ए में जो है समाएगा ही, तो ये आपको ट्रू है, ये आपको ट्रू है, ये सत्य है आपको। अब सातवें नंबर का सवाल, सातवें नंबर का सवाल क्या है, कह रहा है एक दो पांच बिलोंग्स टू ए, तो देखिए एक दो पांच सबसेट है तो यहां पर अवयव तो हो ही नहीं सकता है, हाँ ये कोस्ट नहीं रहता, ये मिड ब्रैकेट नहीं रहता, तब यहाँ पर हम बिलोंग्स टू लिख सकते थे, क्योंकि ये कोस्ट के अंदर में लिख दिए हैं तो ये सबसेट होगा, तो इसलिए ये आपको फॉल्स हो जाएगा, ये आपको क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब आठवें नंबर का सवाल देखिए, आठवें नंबर का सवाल है, इसमें आप लोग अपने बुक को पलट के रखिए ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो देखिए आठवें नंबर का सवाल है एक दो तीन, एक दो तीन सबसेट ए, ये सबसेट ए है। अब यहां पर देखिए ये सबसेट है तो एक और दो, एक और दो, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये तो सही है, एक और दो, एक और दो सही है, लेकिन ये जो तीन सम्मिलित किया है तो तीन किसके अंदर में है, कोस्ट के अंदर में है, यानी सेट के अंदर में भी ये एक सेट है, समुच्चयों का समुच्चय है, कोस्ट के अंदर में है, तो ये जब कोस्ट के अंदर में तीन है तो तीन को वैसे ले लिया है तब कह रहा है सबसेट है, तो ये आपको क्या हो जाएगा फॉल्स, ये इस प्रकार से कभी भी नहीं हो सकता है। अब देखिए नौवे नंबर का सवाल देखिए, नौवां सवाल क्या होगा, नौवां सवाल कह रहा है कि फाइ बिलोंग्स टू ए, फाइ बिलोंग्स टू ए, यानी फाइ जो है ए का क्या है अवयव है, तो देखिए फाइ प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, फाइ प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर बिलोंग्स टू कह दिया है, यानी फाइ जो है सेट ए के अंदर में होना चाहिए, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं सवाल में कि एक दो ये है भी लेकिन फाइ कहीं पर है नहीं है, तो इसलिए नौ नंबर का जो सवाल है ये आपको हो जाएगा फॉल्स, ये आपको फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद दस नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि फाइ सबसेट ए, ये आपको ट्रू होगा, क्यों होगा कि फाइ जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ये सबसेट का गुण ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर अलेवंथ ग्यारह नंबर के सवाल को देख सकते हैं, यहाँ पर फाइ कर दिया है और फाइ सबसेट ए, फाइ सबसेट ए, तो कहने का अर्थ हो गया कि फाइ जब प्रत्येक सेट का सबसेट होता ही है तो फाइ को कोस्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर कोस्ट में रख दिया है, ये आपको असत्य हो गया, ये आपको होगा फॉल्स। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब चलिए चार नंबर के हम सवाल को देखते हैं कि चार नंबर में क्या कह रहा है। आप लोग
को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए चार नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय को लिखिए, समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखना है। तो काफी इजी सवाल है, इनको हम प्रत्येक को हम सॉल्व करते हैं। नंबर चार, और इसमें आपको ये दिया है, सेट दिया है आपको चार का एक, एक में सेट दिया है, इनका सबसेट लिखना है। तो देखिए सबसेट, किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे, इनके लिए एक सूत्र है, किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे तो नंबर ऑफ सब सेट्स बराबर होता है 2 to the power n। यहाँ पर देखिए इसमें एक अवयव है तो 2 to the power 1 होगा, यानी इसके जो है 2 subsets होंगे। तो देखिए आप जो सबसेट निकालेंगे तो फाइव तो सबसेट होगा ही, फाइव प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। उसके बाद जो सेट आपको एक ही एलिमेंट है जो सेट दिया है, इनको आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर हम रख दिए तो यही इनका आंसर हो गया। देखिए दो गो एलिमेंट, दो गो सबसेट होना चाहिए, दो गो सबसेट हो गया कि नहीं हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी सेट का सबसेट लिख सकते हैं, यानी जो एलिमेंट आपको दिया रहेगा एक बार फाइव तो लिख ही लेना है। अब दूसरे नंबर का जो सवाल है, दूसरे नंबर का सवाल किस प्रकार से है, इसमें दो अवयव दिया है, इसमें दो अवयव दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार के दो नंबर में जो सवाल है, एक सेट है इसमें दो एलिमेंट है, एक दो एलिमेंट है, तो इनके कितने सबसेट होंगे, तो यह जानने के लिए देखिए 2 to the power n अभी फॉर्मूला लिखा है ना, तो इसमें एक दो दो एलिमेंट है, दो देंगे यानी 4, यानी इसके 4 subsets होंगे नंबर ऑफ सब सेट्स, 4 subsets होंगे। तो पहले तो आपको आंख मूंद के फाइल लिख ही देना है, फाइल लिख दिए, फिर इसमें ए है तो ए को ऐसे मिडल ब्रैकेट के अंदर में रख देना है, ए तो हम ले लिए हैं, अब क्या है बी है तो बी को अब मिडल ब्रैकेट के अंदर में रख देना है, रख दिए। अब देखिए और कोई एलिमेंट है, और कोई एलिमेंट नहीं है, अब बचा ए बी, यानी जो सेट दिया रहेगा उनको भी लिखना है आपको, तो ए बी, यानी इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ये तरीका आप लिख दीजिए, उनका सबसेट हो जाएगा, और एक फाइव तो ले ही लीजिए सभी में। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि ये इनके जो है कि सबसेट हुए, और यही इनका आंसर हुआ। अब तीसरे नंबर का जो सवाल है, इसमें देखिए तीसरे नंबर में क्या है, 4 to the 3 में 1, 2, 3 इनका सबसेट लिखना है। तो सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो फाइव तो प्रत्येक सेट का सबसेट होता ही है, तो फाइव तो लेना ही पड़ेगा। अब देखिए ये एक है तो एक को आप पोस्ट में रख दीजिए, ये सबसेट हो गया। ये अवयव दो है, दो को मिडल ब्रैकेट के अंदर में यानी कोस्ट में रख दीजिए, ये सबसेट हो गया। ये 3 है, इनको भी आप क्या कीजिए मिडल ब्रैकेट के अंदर में रख दीजिए, ये भी सबसेट हो गया। फिर देखिए ये लिखने का तरीका हुआ, अब हम और कितने तरीके से इनको हम लिख सकते हैं, तो ये भी जान लीजिए, ये भी ध्यान रखिए, इसमें 1, 2, 3 अवयव हैं तो 2 to the power 3 यानी इनके 8 subsets होंगे, 1, 2, 3, 4 तो पूर चुका है, यानी 4 subsets इनका और लिखना होगा। तो देखिए 1, 2 को हम एक साथ लिख सकते हैं, 1, 2 हो गया। फिर देखिए 2, 3 को हम एक साथ लिख सकते हैं, 2, 3 हो गया, यानी आप कितने तरीके से लिख सकते हैं ये भी ध्यान में रखना है। तो 1, 2, 2, 3 तो हमने रख दिया। अब देखिए हम 1, 3 भी तो रख सकते हैं, 1, 3। अब देखिए 2, 3 तो 2, 3 ले ही चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप 3, 2 भी लेंगे, 3, 2 नहीं लेना है। देखिए 2, 3 ही 3, 2 होता है, सेट के अंदर में हम एलिमेंट को उलट पलट के रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब हम किसी प्रकार से नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप क्या कीजिए कि ये जो पूरे सेट है इनको यहाँ पर रख दीजिए, 1, 2, 3 हो गया।
अब देखिए यही इनका सबसेट हुआ और इनका आंसर हुआ, गिनिए आठ को पूर जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ पूर गया, तो यही इनके सबसेट हुए। अब चौथा नंबर का सवाल देखिए, चौथा नंबर का सवाल इसमें क्या है कि फाइ 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 एक क्या है, सबसेट है, फाइ एक सबसेट है ही, और इनका कह रहा है कि सबसेट लिखने के लिए, तो बस यही रहेगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इसका यही फाई रहेगा, तो फाई ही लिख देना है, वही उनका सबसेट हो गया, फाई का फाई सबसेट होगा। उसके पश्चात अब देखिए पांचवें नंबर का जो सवाल है, पांचवें नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए का घात समूह, उसके कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई, ए बराबर फाई हो तो पावर सेट ए में कितने अवयव होंगे। तो यहाँ पर पाँच हम लिख दिए, इनका हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। अब देखिए पी ए में अवयवों की संख्या मांग रहा है और यहाँ पर आपको ए बराबर फाइ दिया है। अब इनका जो पावर सेट होगा पी ए, ये आपको होगा फाइ, ये आपको इस प्रकार से होगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक ही अवयव है, तो इसमें कितने अवयव होंगे, तो एक होंगे, यही इनका आंसर हो गया। अब अगले सवाल को देखिए, इनका जो अगला सवाल है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कह रहे कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको जो है कि इंटरवल के रूप में लिखना है, किस प्रकार से इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि आप जो है कि काफी इजी प्रकार से लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें देखिए x सच डेट x बिलोंग्स टू r माइनस फोर x, ये सिक्स हो गया इस प्रकार से। अब इसमें देखिए इनको इंटरवल के रूप में लिखना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जिधर इक्वल टू नहीं लगा रहे इनका क्या होगा सॉल्यूशन, जिधर इक्वल टू नहीं लगा रहे उधर छोटी कोष्ट रखना है, और जिधर इक्वल टू लगा रहे उधर बड़ी कोष्ट लिख देना है, यही इनका इंटरवल हो गया। इसी प्रकार से आप लिख सकेंगे, यानी देखिए चार के बाद ये क्या है इक्वल टू नहीं लगा है, तो इसलिए इधर क्या रहेगा, यानी पहले क्या है इक्वल टू नहीं है, तो खुली इक्वल टू लग गया तो ये क्लोज्ड हो गया यानी बंद हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, इनमें दूसरा सवाल है x सच डेट x बिलोंग्स टू r, ये माइनस बारह x, ये माइनस टेन है, ऐसे है। अब इसमें देखिए इसको इंटरवल के रूप में लिखना है, तो सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए इक्वल टू ना तो यहाँ पर लगा हुआ है ना तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो दोनों तरफ जो है खुली कोष्ठ ही होगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, यही इनका आंसर हुआ। अब हम इनके अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। अब देखिए इनको हम इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है, लिखने के पश्चात वही बात, यहाँ पर देखिए इक्वल टू लगा है तो ये इसे बड़ी कोष्ट लिखना है, इस जीरो को यहाँ पर रख देना है, इधर इक्वल टू नहीं लगा है ऐसे साथ लिख देना है और छोटी कोष्ट ऐसे कर देना है, यही इनका आंसर हो गया।
चौथे नंबर का सवाल, चौथे नंबर का सवाल आप इनका देख सकते हैं, यानी छो का चार इस प्रकार से है, एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, थ्री लेस इक्वल टू एक्स, एक्स जो है लेस इक्वल टू फोर है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, तीन जो है कि एक्स से छोटी या बराबर है, एक्स जो है चार से छोटी या बराबर है, या इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि एक्स जो है तीन से बड़ी या बराबर है लेकिन चार से छोटी या बराबर है। अब देखिए यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, यानी दोनों तरफ बड़ी कोष्ठ ही होगा, ये थ्री और फोर ही होगा, यही इनका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही इनका ये आंसर हो गया। तो छः नंबर में जितने भी सवाल थे सभी खत्म हो गया है। अब सात नंबर के सवाल को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है, इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समूच निर्माण रूप में लिखिए। तो पहले देखिए, पहले इस रूप में दिया था, इस रूप में हमको लिखना था, अब इस रूप में दिया है और इस रूप में हमको लिखना है, यानी पहले इस रूप को हम इस रूप में लिखे, अब हम इस रूप को इस रूप में लिखेंगे, एक ही चीज है। अब देखिए उल्टा दिया है, कोई विशेष परेशानी होने वाली है नहीं, आप लोग आराम से बनाएंगे सवालों को। चलिए क्वेश्चन नंबर सात को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, तो यहां पर सात लिख देना है और रोमन का एक दिए, माइनस थ्री और जीरो है। देखिए अब इसमें, देखिए इसमें कैसे था, इनको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करते हैं ऐसे, मिडल ब्रैकेट, देखिए ये मिडल ब्रैकेट है x सच डेट x, ऐसे लिख दिए, और देखिए बिलोंग्स टू r है तो ऐसे बिलोंग्स टू r कर दिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस तीन, यानी पहले आप कोष्ट पर ध्यान दीजिए, ये क्या है ओपन, यानी छोटी कोष्ट है, ओपन इंटरवल दोनों तरफ छोटी कोष्ट है, इसका अर्थ हुआ कि दोनों तरफ इक्वल टू नहीं लगेगा, अगर बड़ी कोष्ट रहता है तो इक्वल टू लगता है, अगर छोटी कोष्ट होता है जैसे पूर्व में समझाए तो इक्वल टू नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है माइनस थ्री, और यहाँ पर एक्स लिखेंगे, और ये देखिए जीरो है, यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए, हो गया, यही आंसर इनका हुआ। उस दो नंबर में है छो बारह, ये अब इनका हम सॉल्यूशन करेंगे, इनको हम समूच निर्माण रूप में लिखेंगे, ऐसे करेंगे एक्स डेट एक्स लिख देना है, बिलोंग्स टू आर कर देना है, और एक्स का जो मान होगा, अब देखिए छो से लेकर के बारह तक होगा, चूंकि यहाँ पर बड़ी कोष्ठ है इसलिए यहाँ पर x लिख दीजिए, यहाँ पर भी इक्वल टू कर दीजिए, यहाँ पर भी इक्वल टू कर दीजिए। अब छो है तो यहाँ पर छो लिखिए, बारह है तो बारह को बाद में लिखना है, यही इनका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीन नंबर का सवाल, इनके तीन नंबर का सवाल क्या होगा, तीन नंबर का सवाल, तीन नंबर का सवाल है छ और बारह, ऐसे है तो पहले क्या है छोटी कोष्ठ बाद में बड़ी कोष्ठ है, तो छोटी कोष्ठ आ गया तो आप लोग समझ चुके हैं कि इक्वल टू नहीं लगेगा, और बड़ी कोष्ठ है तो इक्वल टू लगेगा। इनको भी हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है हल, अब एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू आर करना है, उसके बाद देखिए छ बारह है तो पहले इधर क्या है ऐसे ओपन इंटरवल है, यानी बड़ी कोष्ट नहीं है छोटी कोष्ट है, तो इक्वल टू यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा कमेंट करके बोलिए, नहीं लगेगा क्योंकि ओपन है। यहाँ पर एक्स ऐसे करना है, उसके बाद ये हो गया बारह, तो यहाँ पर बारह रख दीजिए, और इक्वल टू इसलिए लगा दिए क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी कोष्ट है। अब देखिए इसके चौथे नंबर का सवाल, चौथे नंबर का सवाल है माइनस तेईस और पांच, इधर छोटी कोष्ठ है ओपन इंटरवल है, तो इनका
जो है फॉर्म इस प्रकार से होगा, एक्स एज डेट एक्स लिखना है, बिलोंग्स टू आर करना है। फिर देखिए इधर बड़ी कोस्ट है तो माइनस 23 लिखिए, अब बड़ी कोस्ट है तो लेस इक्वल टू हो जाएगा, एक्स लिखेंगे, इधर छोटी कोस्ट है ओपन है तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना है, 5 है तो 5 रख देना है। यही इनका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 7 में जितने भी सवाल थे वो खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर आठ में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और इसमें है कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। यानी 8 में 2 सवाल है, इनको हम बनाते हैं सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी किसी विशेष संदर्भ में दिए गए सभी सेटों का सुपर सेट होता है। तो उसी प्रकार से समकोण त्रिभुजों का समुच्चय लिखेंगे, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1 लिख दीजिए और इनका यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज कह रहा है तो यूनिवर्सल सेट में जो है कि सभी त्रिभुज आना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों का समुच्चय जैसे लिख दिए तो इसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे, तो इसलिए 8 के 1 नंबर का जो है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय जो है इनका यूनिवर्सल सेट होगा त्रिभुजों का समुच्चय। अब 2 नंबर में हम चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय होगा, त्रिभुजों का समुच्चय, यही यूनिवर्सल सेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है कह रहे कि समुच्चय a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6 और c बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय a b और c के लिए निम्नलिखित में कौन सा जो कि सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो ये आपको सेट दिए हुए हैं 3 सेट, पढ़ा है कि इन तीनों सेट का जो है कौन सा यूनिवर्सल सेट लिया जा सकता है। तो देखिए इन तीनों सेट का वही यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें ये तीनों सेट का एलिमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर है कि 1 3 5, तो यहाँ पर 1 3 5 तो मिल गया, फिर है 2 4 6, तो 2 4 6 भी मिल गया, फिर है कि 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 लेकिन 8 नहीं है, तो इसलिए 9 का ऑप्शन ए जो है ये छट गया। अब 5 देखिए, 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इसलिए 5 तो छट ही गया। अब हम 3 में चलते हैं, तो 3 में देखिए इन तीनों सेट का जो है कि एलिमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो 1 3 5 है, तो 1 3 5 मिल गया। उसके बाद 2 4 6 है, तो 2 4 6 भी मिल गया। उसके बाद 0 2 4 6 8 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 2 4 6 8 ये भी मिल गया। तो यहाँ पर फाइनली आपने यहाँ पर देख लिया है कि 9 का सही ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 है, इसमें देखो 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो इसलिए 4 नंबर छट जाएगा। तो 9 का सही ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का सभी सॉल्यूशन जाना, सभी सवालों का सॉल्यूशन जाना। अब जो है कि अगले दिन के वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 चलेगा, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहां पर आप 11th के सभी वीडियो को देखिए और संपूर्ण तैयारी कीजिए।